हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इस कैबिनेट के बारे में जो कि है JBL मॉडल। और ये कैबिनेट जो है मॉनिटर है, सिंगल 15 और सिंगल HF इसमें लगता है। तो आज हम इसी कैबिनेट के बारे में बात करेंगे और इसी कैबिनेट के बारे में देखेंगे और इस कैबिनेट में हमें कितने वाटेज का स्पीकर कसना चाहिए JBL मॉनिटर में। तो आज हम सभी के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि हमें इस कैबिनेट का प्राइस जो है अभी रिसेंट में कितना पड़ेगा एक पेयर का। तो फ्रेंड, बात करें इस कैबिनेट के बारे में तो आप ये देख सकते हैं कैबिनेट का लुक जो कि JBL का है और इसका लुक तो काफ़ी अच्छा है। और अब हम बात करें इसके स्पीकर सॉकेट के बारे में, तो इसका जो है स्पीकर सॉकेट ये आप देख रहे हैं साइड में दिया जाता है, जो कि पावर जो होता है स्पीकर का तो वो साइड में दिया जाता है। और अब हम बात करें इसके अंदर के बारे में, तो अंदर का जो आप देख सकते हैं ये आपको दो एयर वेंटिलेशन मिलता है, जो कि स्पीकर का बेस जो पास होता है वो इसे कैबिनेट में देखने को मिलता है दो, एक इस साइड और एक लेफ्ट और एक राइट। और एक स्पीकर का हमें वो होल मिलता है और एक HF का मिलता है। तो अब हम बात करें फ्रेंड इस कैबिनेट के प्राइस के बारे में जो कि अभी रिसेंट में है। इस कैबिनेट का जो कि अभी प्राइस है अभी 9 से 10 हज़ार के आसपास आपको इस कैबिनेट का पेयर आपको मिल जाएगा, जो कि हम अभी आपको अप्रॉक्स प्राइस बता रहे हैं जो कि अप डाउन होते रहता है। तो फ्रेंड बात करें अब इस कैबिनेट के, तो कैबिनेट में आपको इस साइड में आपको चार रबर का बैंड मिलेगा, जो कि हमें स्टेज ये लाइव प्रोग्राम होता है वो स्टेज पे हमें कर्व करके रख दिया जाता है ये कैबिनेट को। और इस कैबिनेट का एक और फीचर है कि ये दोनों साइड से कर्व हो जाता है फ्रेंड, जो कि ये कैबिनेट आप देख रहे हैं ये दोनों साइड से आपको स्टेज पे काम कर जाएगा। LA मॉडल का जो कैबिनेट है उसके बारे में हम एक वीडियो बनाया है जो कि आप जाकर देख लीजिएगा। वो भी कैबिनेट जो है LA मॉडल जो है कैबिनेट, जो कि अभी हम आपको साइड में दिखा देंगे, एक साइड से ही ये कर्व होता है और दोनों साइड से ये नहीं हो पाता। तो अब हम बात करें इस JBL मॉडल कैबिनेट के बारे में, तो फ्रेंड ये JBL ये कैबिनेट जो है इसमें स्पीकर जो है आप हैवी वाटेज का ही कसें, जैसे 600 वाट या फिर 700 वाट या फिर 800 वाट, जितना ही ज़्यादा हैवी वाटेज का स्पीकर इसमें कसेंगे तो उतना ही अच्छा रहता है। तो अब हम बात करें फ्रेंड क्यों कसना चाहिए हैवी वाटेज का स्पीकर। तो फ्रेंड ये जो कैबिनेट है आप सिंगल 15, इसको अगर हम हैवी वाटेज का स्पीकर अगर इसमें कसते हैं तो इसका जो है हमें दो फायदे हैं, ताकि अगर लाइव में हम इस कैबिनेट को अगर स्पीकर को यूज करें ये जो है विसल ज़्यादा नहीं करेगा। अगर आप स्टेज प्रोग्राम में रखते हैं स्टेज पे इस कैबिनेट को हैवी वाटेज का स्पीकर लगा के, तो ज़्यादा सीटी जो है माइक कवर नहीं करेगा इस अगर इसमें स्पीकर हैवी वाटेज का कसते हैं तो। तो अब हम बात करें हैवी वाटेज के स्पीकर के बारे में, तो आप जैसे 666 कस सकते हैं इस कैबिनेट में, और या फिर 80 वाट का ही HF कसे ताकि अच्छा रहेगा, 100 वाट का ज़्यादा हो जाएगा वो भी, उससे भी माइक जो है विसल मारता है। तो हर एक कैबिनेट हर एक मॉनिटर में हमें कम से कम वाटेज का HF और हैवी वाटेज का स्पीकर लगाना चाहिए, ऐसे हमें DJ में भी अच्छा रहता है और लाइव में भी अच्छा ही रहता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा न्यू वीडियो आए तब तक सबसे पहले नोटिफिकेशन।